मुझे कुछ नहीं सुनना नूर, ये नौकरों वाला गेम मैं नहीं खेल सकती और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है अर्शी आंटी के पीछे घूमने के मुलाजिम बन के। मैंने तो हमेशा इनको अपने बच्चों की तरह ही देखा, मगर इन लोगों ने मुझे एक एक बिगड़ी हुई औरत और मेरी बेटी को हमेशा हकीर की नजरों से देखा। सर आप क्या रहते हैं ये घर तो प्लीज इसे घर ना कहो। कहा ना इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना हमें। भाई जान चली जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से। कमाल कर रहे हैं आप अहमद, डॉक्टर के पास आपने नहीं जाना, बच्चों को मैं ना बताऊं। आप जरा बैठे, मैं दो मिनट में आती हूँ प्लीज। बेटा तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया, मैं स्टोर रूम से बिस्तर निकलवा रही थी। क्या बताती रौनक भी आपको, अच्छा हुआ कि खाला चली गई, वरना और बेइज्जती सहनी पड़ती उन्हें। पता नहीं बाबा को क्या हो गया है। नूर तुम बाबा से बात करो, उन्हें साफ साफ कह दो कि तुम शादी करोगे तो सिर्फ एहसन भाई से। एहसन का आप कोई नाम भी नहीं लेगा यहाँ। अब बस जो बाबा कहेंगे वही होगा। तो तुमने ये बात आमना हाले से क्यों नहीं की, उनको इतनी देर इंतजार क्यों करवाया, बहुत ही फजूल है तुम। बस चुप करो, अरे कब तक बाप के सामने खड़े होकर मुकाबला करती रहेगी वो। बाप नहीं सौतेली माँ। उजाला कितनी फजूल बातें करती हो तुम, कितना तुम्हें समझाया है तुम्हें समझ में ही नहीं आता। नूर तुम्हारे बाबा का एकदम से बीपी शूट कर गया है। या अल्लाह क्या, चलो चल के देखो, हॉस्पिटल जाने से भी मना कर रहे हैं। हिम्मत मिया क्या हो गया बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसे कह रहे हैं यहाँ से चली जाए। मेरा क्या कसूर है बाबा, क्यों बार बार किसी न किसी को एहसन की सिफारिश के लिए भेजती रहती हो? अब आप फिक्र मत करें, अब कोई नहीं आएगा। आप जहां कहेंगे जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। बीबी कितना है नूर? काफी बड़ा हुआ है, आपकी टैबलेट्स रखी थी आपने खाई नहीं। मुझे क्या मालूम मेरी टैबलेट्स कहाँ पड़ी, पहले कभी मैंने अपने हाथ से दवा खाई है? सर मैं दर्द हो रहा होगा, मैं दबा देती हूँ। अच्छा मेरे साथ हॉस्पिटल चलें, मैं आपको ले चलती हूँ। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग जाएं प्लीज प्लीज। अहमद मियां बेटियों से इस तरह मुंह ना मोड़ो। रौनक भी इसे ले जाएं यहाँ से, मुझे आराम करना है। नूर अगर कह रहे हैं तो चली जाओ, आराम करना चाह रहे हैं। दवाइयाँ ड्रॉअर में आप बाबा को दे दीजिएगा। दुल्हन याद से दवाई दे देना। जी रिलैक्स करें, नाजिया तुम इस वक्त कहां से आ रही हो? तुम्हें मेरी बहुत फिक्र होने लगी है। मुझे तुम्हारी फिक्र होना हो लेकिन बाबा की फिक्र है, ये वक्त है वापस आने का। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं डेट पर गई थी? तुम हर बात का गलत मतलब क्यों लेती हो? तुम्हारा कॉलेज 2 बजे बंद होता है ना, और अभी 7 बज रहे हैं। हाँ तो प्रैक्टिकल होगा है ना नाजिया, तुम जाओ अपने कमरे में,
आपने तो मुझसे नहीं पूछा कि मैं लेट क्यों हुई हूँ। आपको बिल्कुल मेरी फिक्र नहीं है ना मामा? तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं उनकी फिक्र करूँ या फिर तुम्हारी? पापा को क्या हुआ है? तबीयत खराब हो गई थी उनकी, लेकिन अब जरा बेहतर है। अब तुम चली मत जाना उन्हें डिस्टर्ब करने, जाओ अपने कमरे में। तुम नाजिया की वजह से खुद को मत परेशान किया करो, मेरी उसे पूरी इजाजत है, और ना ही उससे ये पूछा करो कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। मैं हूं ना जी। बाबा की तबीयत अब कैसी है? हाँ अब जरा बेहतर है, लेकिन अभी ये मुनासिब नहीं होगा कि तुम वहाँ जाओ और उन्हें डिस्टर्ब करो। अहमद अब तबीयत बेहतर है आपकी? ठीक हो आप? क्या ऑफिस से आने के बाद ये सारी उलझनें सर पे लेके बैठ जाते हैं? क्या करूं मैं, ये सब कुछ मुझे ही देखना होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं सब कुछ कैसे कर पाऊंगा मैं। किसने कहा है आपसे कि ये सब कुछ आप अकेले देखें? एक बात कहूं, हमें अपनी बेटियों की शादी करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। ठीक कह रही हो तुम। बस मैं कल ही जूबी आपा को खाने पे बुला रही हूँ। मगर उनका बेटा शिराज वो नहीं आएगा इस घर में। अच्छा छोड़े ना जिद को, अगर हम इसी तरह जिद लेकर बैठ गए ना तो फिर हमारी बेटियां भी बैठी रह जाएंगी। हाँ मगर उसका तुम्हारे साथ सुलूक? वो मेरे और मेरे भांजे का मामला था, माफी मांग ली है उसने मुझसे और मैंने माफ भी कर दिया। अब आप भी माफ कर दीजिए प्लीज। मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। हेलो। तुम बहुत देर से घर पहुंची हो, बस फिकर हो रही थी तुम्हारी। यकीनन सबने तुम्हें सुनाई होंगी। मेरी यहाँ परवाह किसको है? बेहिसी की हद होती है। ये किस तरह के रिश्ते हैं तुम्हारे इर्द गिर्द? के रिश्ते नहीं, खुदगर्जी का एक ढेर जिसके नीचे मैं फंसी हुई हूँ। लेकिन आपको पता है आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आपके सिवा आज से पहले ना ही मुझे किसी ने जाना और ना ही किसी ने समझा। मामा कौन हो तुम जो मेरी मासूम बेटी को बहका रहे? तुम्हारी वजह से उसे अपने रिश्ते खुद गर्ज लगने लगे। मामा फोन दे मेरा मुझे। बोलो चुप क्यों हो गए हो, जवाब दो। मामा फोन दे मेरा। चुप करो तुम। तुम जो कोई भी हो, आइंदा अगर मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामा कैसे बात कर? कौन हो तुम जो इतनी ढिठाई से हंस रहा है? जवाब दो। बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी।
बिल्कुल कोयल की तरह। कौन हो तुम बोलो। हेलो मामा फोन दे मुझे मेरा। ये आदमी जो भी था ये निहायत ही कोई चालाक आदमी है। देखो तुम एक मासूम नादान बच्ची हो और वो तुम्हारी नादानी से फायदा उठा सकता है। तुम आयदा इसे नहीं मिलोगी। मैं आपकी किसी भी पाबंदी को फॉलो नहीं करूंगी समझी आप। अच्छा लेकिन एक बात याद रखना मेरे अलावा तुम्हारा और कोई हमदर्द नहीं है। अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं आपकी हमदर्दी। आप सिर्फ रिश्तों में नफा नुकसान ढूंढती हैं खुलूस नहीं। आपकी दुनिया बहुत अलग है मेरी दुनिया बहुत अलग। तो बेहतर यही है कि आप मेरी दुनिया में दखल अंदाजी ना दें। इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया है लेकिन एक बात याद रखना मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत भी मत कर और ना ही तुम जा सकती हो समझ गई। उजाला क्यों आए हो तुम यहाँ। उजाला मैं तुमसे माफी मांगने आया मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था यार लेकिन ये जो औरत तुम्हारे बाबा की जिंदगी में माँ बनकर आई है ये इसको देखकर मेरा खून खौल उठा था और तुम्हारे बाबा। प्लीज शराज तुम मेरे बाबा को अब डिस्कस नहीं करोगे। तुमने मेरे बाबा की सारी अच्छाइयां एक तरफ कर दी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे जो माफ कर दो मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना कुछ नहीं है उजाला बिल्कुल बेमायनी है बेमकसद। मैं बाबा से भी माफी मांग लूंगा लेकिन मेरी बात को तो समझो मुझे बाबा पर गुस्सा था। ये औरत जो मेरी खाला है बहुत शट अप। वो औरत जो भी है लेकिन रिश्ते में अब मेरी माँ लगती है। ऐसी माँ जिसने अपनी सगी बेटी की जिंदगी को तमाशा बना रखा है वो तुम्हारी हमदर्द नहीं हो सकती। उजाला मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। शराज मैं चाहे बुरी बेटी सही लाख इख्तलाफात करूंगी अपने बाबा से लेकिन कभी बगावत नहीं करूंगी। ठीक है मैंने कहा ना मैं अंकल से माफी मांग लूंगा। मर जाऊंगा उजाला अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो। प्लीज उजाला। शराज मैं भी कभी अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकी तुम्हारे बगैर। प्लीज मुझे कभी जुदाई का दुख मत देना। नहीं उजाला कभी नहीं। उन दोनों के बीच अगर जुदाई आई तो उसकी वजह सिर्फ मौत होगी। जिंदगी के बस का काम नहीं कि हमें जुदा कर। ठीक है लेकिन अभी तुम अपने घर जाओ बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है मैं कल आऊंगा अम्मी के साथ। तुम ख्याल रखना। क्या बना रही हो तुम? क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है नूर शिराज आया था। सच में? हाँ नूर वो अपने बिहेवियर पे बहुत शर्मिंदा था और वो कह रहा था कि वो जूबी आंटी के साथ आएगा पापा से माफी मांगने के लिए। सच में? नूर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं शिराज को भूल जाऊंगी। बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे। जिनसे मोहब्बत हो उनसे जुदाई का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। शुक्र है तुम और शिराज एक हो गए। हाँ किन्नूर शिराज अर्शी आंटी की तरफ से बहुत बदगुमान है। वो कह रहा था कि वो बहुत खुदगर्ज है बहुत लालची है और लालच के लिए ही उन्होंने बाबा से शादी की है। वो हमारी माँ कभी नहीं बन सकती।
शिराज। फराज बेटा चाय। थैंक यू। वर्षी ने मुझे पूरा यकीन दिलाया है कि वो अहमद भाई से बात करेगी। अगर अहमद भाई मान जाते हैं तो मेरी तो दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी। जी आंटी को कहने की क्या जरूरत है, अगर अहमद अंकल बेहतर समझेंगे तो हाँ कर देंगे। भी अशी आंटी का एहसान लेने की क्या जरूरत है बेटा, कैसी फजूल बातें कर रहे हो, बस कर दो अब और ऑफिस से जल्दी आ जाना। हमने अहमद भाई की तरफ जाना है और तुम मेरे साथ चलोगे। मेरे जाने की क्या जरूरत है, किराज को ले जाएं, वैसे भी मसला उसी का। देखो बेटा, अगर अहमद भाई मान गए तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करता हूँ और नूर आकर शिराज की फिर शादी खुद ही कर लेगी। पहले शादी तो तुम्हारी करनी है ना मुझे। एक बात समझ नहीं आ रही अम्मी, ये अर्शी आंटी मान कैसे गई? वो तो दुश्मन है मेरी, खास तौर पर जब से उनकी बेटी से शादी के लिए इनकार किया। देखो बेटा, अर्शी पुरानी सारी बातें भूल गई है और अब तुम भी भूल जाओ। नए रिश्ते बनने जा रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि माजी की कोई बात सामने आए। चाय पियो, ठंडी हो रही है। जी अम्मी, सलाम अलैकुम। फराज बेटा, तुम्हें याद है ना तुमने आज मेरे साथ अहमद भाई के घर से आना है नूर का हाथ मांगने। मैं कैसे भूल सकता हूँ, आपने अभी ऑफिस आने से पहले तो याद करवाया। हाँ बेटा, अच्छी तरह जानती हूँ तुम नहीं भूल सकते, लेकिन मैंने कहा याद दिला दूँ क्योंकि ऑफिस के बिखेड़ों में तुम भूल ही ना जाओ। अम्मी अभी तो ऑफिस पहुँचा ही नहीं, ऑफिस पहुँचने तो दे मुझे। आप फिक्र ना करें, मैं पहुँच जाऊँगा, डोंट वरी। फराज तो फिर कह दो, आइंदा अगर उसने शिराज का नाम लिया तो जुबान काट लूंगा उसकी। नूर बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं तो डॉक्टर साहब आज अपने बेटे की खुशियां लेने जाने वाली थी, शादी की तारीख रखने वाली थी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप फराज की शादी का ख्याल फिलहाल दिल से निकाल दो। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब?